मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल डिब्बों की रसोई में। तो आज फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आए हैं, तो आइए फटाफट रेसिपी। तो आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं बाजरे के आटे का। देखिए यहां पे मैंने ले लिया है बाजरे का आटा, ये 250 ग्राम है। इसे छान कर साफ कर लिए हैं ताकि इसमें जितनी भी गंदगी है वो निकल जाएगा चाल लेने से। और इसके साथ ही हम ले लिए हैं यहाँ पे चीनी ले लिए हैं एक कटोरी से, थोड़ी सी कम चीनी है। और एक कटोरी मैंने घी ले लिया है, और ये लिया है नारियल बुरादा, और थोड़ा सा ले लिया है सफ़ेद तेल। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है, उसमें हम आटे को डाल देते हैं। बाजरे के आटे को बहुत ही फायदेमंद और सर्दियों में बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं ये जो शक्कर हम लिए हैं, तो शक्कर को भी डाल देते हैं। और यहाँ पे मैं घी ले ली हूँ, घी हमारा हल्का गर्म है, इसे भी डाल देते हैं। तो घी को भी हम इसमें डाल देंगे, पूरे घी को डाल देंगे। यहाँ पे घी हमारा गर्म है थोड़ा अभी, और इसे मिला देते हैं। और इसी के साथ ये नारियल का जो मैंने बुरादा लिया है इसे भी डाल देते हैं। तो आप चाहे तो नारियल के बुरादा की जगह नारियल को कट करके भी डाल सकती हैं। और ये मैंने सफ़ेद तिल लिया है, सफ़ेद तिल खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और साथ में बहुत ही फायदेमंद होता है सर्दियों में, इसे बहुत ज़रूरी है खाना, इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैंने इसमें तेल को भी डाल दिया, और अब सबको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेते हैं बिल्कुल। तो देखिए घी को जो है हमने बिल्कुल सही डाला है, ऐसे करने से ये बन जा रहा है, तो समझ लीजिए बिल्कुल सही है, इतना का ही ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा घी रहेगा तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी आगे। अब इसे हम हल्का हल्का पानी को डालते हुए इसे हल्का सा मार लेंगे, इसे टाइट ही रखना है, बहुत ज़्यादा ढीला आटे को नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटे को जो है तैयार कर लिया, बिल्कुल ये कड़ा होना चाहिए, ज़्यादा टाइट ही होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा अगर ढीले होंगे तो बनाने में दिक्कत हो जाएंगे। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो छोटा छोटा हम लेकर हाथों पर इसे ऐसे रखेंगे, ये देखिए बिल्कुल आसान हम बता रहे हैं आपको बनाना, और बहुत ही टेस्टी बहुत ही जल्दी बनके तैयार होने वाला है। तो इसे हम हाथों पे अपने रखेंगे, ये देखिए, और इसे गोल गोल घुमाते हुए बस हम छोटे छोटे जैसे बिस्किट होते हैं बस वैसे ही हमें बना लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है, तो ऐसे ही हम सबको बना लेते हैं, बाकी को भी ऐसे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सारे को जो है मैंने बना लिए, इतना मैंने बना लिया है और घी गरम करने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है डाल देंगे, और इसे हम पलटे से नहीं पलटेंगे, चम्मच से जो है धीरे धीरे इसे हम पलटेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, तो इसे हम धीरे धीरे करते हुए पलट लेंगे, क्योंकि बाजरे का है तो बाजरे का आटा बहुत ही जल्दी फटने लगता है, आप लोगों को पता ही है। तो इसीलिए गैस पहले घी को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर फ्लेम स्लो कर दीजिए, और तब इसे तलिए, तो बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हो जाएगा। तो इसे देखिए मैंने पलट दिया है, और ये बिल्कुल सेक गया है, अच्छे से बिल्कुल हो गया है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में, ये जो है हो गया है। तो आप देख सकती हैं कि कितना बढ़िया, बिल्कुल देखने से ही टेस्टी लग रहा है।
ये बिस्किट बनके तैयार हुआ है। बाजरे बाजरे का आटा सर्दियों में बहुत ही मिलता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने सब बना लिया और ये देखिए मेरा बाजरे का तैयार हो गया बिस्किट बनके। तो इसे आप स्टोर करके एक महीने के लिए रख सकती हैं, ये बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है और बहुत ही यम्मी यम्मी टेस्टी बनकर ये तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, जिसे भी आप खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफें करेंगे और कोई बता नहीं सकता कि आप इसे बाजरे के आटे से बनाई हैं, ये इतना टेस्टी होता है। तो बिल्कुल सॉफ्ट, बस थोड़ी सी छोटी छोटी टिप्स आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताया है, तो ये आपके भी बनकर बिल्कुल रेडी होंगे और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। और सफ़ेद तिल से डालने से इसका लुक जो है बहुत अच्छा हो गया है, देख सकती हैं। तो मैं यहाँ पे तोड़कर दिखा रही हूँ, ये वाला बहुत ज़्यादा गर्म था इसीलिए मैं जो है दूसरा तोड़कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर से आप देख सकती हैं बिल्कुल मुलायम, बिना दांत वाले भी इसे बहुत ही पसंद से खाएंगे, बच्चे या बड़े सभी बहुत पसंद से खाएंगे और बहुत ही यम्मी लगने वाले हैं ये बाजरे के बिस्किट। तो फ्रेंड्स आप लोग, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हाँ मेरे तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुँच सके।